तो भाई हेलो है आप लोगों को, और 12:30 हो चुके हैं दिन के, ठीक है। और ये कुछ नज़ारा देख लो भाई। आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और सुबह दिन बज रहे, अभी दिन के बज रहे, और आपको सारा काजा दिखेगा इधर से लेकर जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और हमारी गाड़ी लगी हुई यहाँ पे। हमारी गाड़ी कहाँ लगी हुई है? हमारी गाड़ी लगी है भाई ये फॉरेस्ट गार्ड के जो जो रेजिडेंस है फॉरेस्ट गार्ड वालों का, काजा में, वहाँ पर लगी हमारी गाड़ी। और सो आज के व्लॉग में भाई करते हैं आप लोगों का स्वागत, एक नई दिन, एक नई सुबह भाई, ठीक है। सो करते हैं आप लोगों को अपने व्लॉग चैनल में वेलकम, ठीक है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं भाई ड्रीम ट्रक व्लॉग्स। तो आज कोई ट्रकिंग से रिलेटेड तो वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ भाई आज घूमने जा रहे हैं इसमें, इस गाड़ी को लेके। और ये पल्ली भाई की, और ये हमारे कमल भैया है, ठीक है। और इनका नाम ब्लैक था आपको उस ब्लॉग में, ये कमल भाई है, ठीक है। और आपका नाम क्या है? और ये है विनय भाई, ठीक है। तो ये कैमरा घूमने लेके जा रहे हैं, आज घुमाने ले जा रहे हैं हमारे को, क्योंकि हमारे को तो देखो इतना पता नहीं यहाँ का, बाकी देखते हैं जहाँ भी जाएंगे आज। चलो आ जाओ फिर। गाड़ी की थी थोड़ी देर को स्टार्ट, एक तो यहाँ सबसे ज़्यादा पंगा ही है, एक तो गाड़ियाँ स्टार्ट होने की सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। मेरी भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, कच्चा धुआँ छोड़ती है वाइट वाइट सा। और बाकी क्योंकि कल पेट्रोल भी लाया था उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ठंडी इतनी भाई, रात में -3-3 डिग्री चल जाता है इधर अभी के टाइम में। और जय माता दी, देखो ट्रक को बाय बाय। छोटा सा ही ब्लॉग रहेगा भाई, देखो बाकी देखो ट्रकिंग अगर तो ट्रक लेके जाते तो उसका कुछ और हिसाब किताब होता है। ऐसे घूमने जा रहे तो मैं बहुत कम ब्लॉग बनाता हूँ ऐसे घूमने जाते ना, क्योंकि इतना बोलना मतलब अजीब सा लगता है थोड़ा सा ट्रक के बिना। तो जितना भी बनेगा देख लेना। एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज, एशिया के सबसे हाईएस्ट ब्रिज पे जा रहे हैं हम, ठीक है भाई। ठंड तो ना बहुत ही भयंकर दिन को भी, यहाँ पे कितना हो टेम्परेचर अभी? एक दो है ना, धूप का कोई फायदा नहीं है, जब हवा चल पड़ी तो वैसी ठंड लग जाती है। और ये खेत देखो आप, ये खेती यहाँ है, मटर और आलू, बाकी सेब सूब भी नहीं है यहाँ पे ना भाई, तब वही है लास्ट सेब। बाकी आप ये काजा में आएंगे तो बस आपको मिलेगी मटर और आलू और जौ, तीन चीज़ें मेन है यहाँ पे। और ये राइडर्स वगैरह भी चले हुए हैं, बाकी देखो आप आगे आगे। और ये भाई मोनेस्ट्री है, ऊपर झूले लिखा हुआ है, झूले किसको नमस्ते को बोलते हैं, झूले बोलते हैं नमस्ते को, तो की मोनेस्ट्री ऊपर, खतरनाक जगह। फाइनली भाई पहुंच गए हम चीचम ब्रिज भाई, खतरनाक ही चीज़ है कुछ, अभी तो नहीं ना दिख रही आप लोगों को, अब दिखेगी थोड़ी थोड़ी। हैं सारे भाई जी, खतरनाक चीज, पहुंच गए हम, फोटोग्राफर भी है हमारे साथ। यहाँ से दिख रहा भाई, ये खतरनाक चीज़ बनाया फूड ट्रक, यहाँ से तो दिख रहा पर ये आपको लेंथ दिख जाएगी इस ब्रिज की ना, यहाँ से देखो चीचम ब्रिज, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज। तो पहुँच गए भाई हम यहाँ, सपने में भी नहीं सोचा था कभी कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और ऐसे घूमेंगे भाई, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं यार ऐसा। तो भाई लोग हैं भाई यहाँ पे, तो इनके साथ भाई आ गए हम भी, और इन्होंने बोला कि चलो घूमने चलते हैं, अगला आप लोग यहीं पर है। सो काफ़ी गज ब्रिज है, वहाँ जाके चलते हैं भाई फटाफट से, और फोटोज़ वगैरह भी खिंचाएंगे भाई। ज़िंदगी में पता नहीं कब आने का मौका मिले ना मिले, जिंदा भी रहे देखने के लिए दोबारा बाद में। गच्चे भाई गच्चीज़, एशिया का नंबर वन ब्रिज, पर थोड़ा सा टूटने जा वाला है, पर नहीं यार इतनी लोड गाड़ियाँ भी तो चलती होगी इस पर से। ओ भाई साहब, नीचे तो नहीं देख सकते भाई आप लोग। ओ भाई हर कुछ यार, कमल भाई मज़े आप लोगों के यहाँ पे। ओ भाई वहाँ से देखो, ओ भाई ये भाई चीज़, ट्रॉली गई थी। ओ इसका क्या बचा होना, कुछ भी नहीं, इसका क्या बचना चाहिए। ओ भाई हर कुछ, इस साइड से नहीं है,
बीच में से चलते यार। अच्छा ये रोप्स वे है ना बनाया हुआ, भाई किसने तो बनाया होगा यार, कब का बना हुआ है? तो बहुत पहले का होगा बना, ये 2019 में होगा कंप्लीट। 2019 में कंप्लीट लगा था। और भाई हवा, आप लोगों को इसमें हवा ही सुन रही होगी, आवाज़ तो पता नहीं आ रही होगी कि नहीं, तो आप लोग ये भी देख लो एक बार। मतलब ये अभी पत्थर फेंका तो कब पहुँचेगा नीचे? खतरनाक व्यू भाई, देख लो ये चीज़ें भी है भाई दुनिया में, कभी सपने भी नहीं सोचा था यहाँ पहुँचेंगे हम। What is next, Kamal भाई? नेक्स्ट हम वहाँ गाँव में जा रहे हैं, चिच्चम गाँव में। चिच्चम गाँव में थोड़ा सा काम है कुछ हमारे। अच्छा, हाँ जी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। चलो जी, तो आप लोगों ने जो फोटो देखी होगी ना भाई, भाई बहुत ही खतरनाक है भाई, खतरनाक है, और वो सारी आईफोन की देखी होगी। चलो भाई बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। ओह मतलब क्रीम तो पता नहीं लग रही थी, ऐसी पोत के आए थे ना कि बच जाएंगे, पर नहीं बचे। मास्क ही ठीक है। हाँ चश्मे मास्क ये लगा के रखने पड़ते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपकी स्किन ना वैसे डल सी, मतलब ऐसे ना फटने सी लग जाती है। तो हम आ गए भाई चिच्चम गांव में, ये सामने गांव रहा, और ये कुछ आसपास का नज़ारा भाई, वो देखो ग्लेशियर, और इतनी हवा है ना भाई यहाँ चली, खतरनाक वाली हवा चली, वो देखो वहाँ भी ग्लेशियर है, और कुछ खतरनाक सीन। यहाँ जी आप ही ना होते क्यों? ठीक है, चाय यही बचा सकती है इस वक्त। तो ये आपको जो हल्के हल्के सी वाइट वाइट सी दिख रहे ना भाई, ये बीच में आ रही जो ये बर्फ़ आ रही है भाई ऊपर से, जो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है वही उड़ के ना इधर को आ रही है, और आप लोग क्या भयंकर लग रहे हैं इसमें, अरे गच हर कुछ खतरनाक है। थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है बोलो? यहाँ पे एक करकमल द्वारा है, ठीक है। सो इनके ब्रदर थे वो? अच्छा ये काम कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। और उनकी स्टैचू लगे गए यहाँ पे ना, उनकी याद में ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। सो इसके लिए आए हुए हैं, ठीक है यहाँ पे, बस बाकी हमने जाना ही अभी यहाँ से। ओके ये देख रहे हैं भाई आप लोग किब्बर गांव, ठीक है, और वो है चिच्चम ना, वो पार्क दिख रहा है आपको चिच्चम गांव, और ये आ गए हम किब्बर, और यहाँ से भी हमने जाना है वापस, ठीक है। पहुँच गए भाई हम की मोनेस्ट्री, और ये गांव भी की है ना, और हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई ये की मोनेस्ट्री, जिस ब्यूटीफुल व्यू भाई, लाखों में एक व्यू है भाई। चलो गज।
4:42 डेट और टाइम याद रख लो भाई, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे है ना भाई वहाँ पे कुछ ही लोग पहुँच पाए हमेशा, ठीक है। वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड भाई, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड मौका मिल रहा है भाई यहाँ पे। और वहाँ देखो आर्मी, वहाँ पे भाई क्या शेड्स वगैरह बने हुए भाई, खतरनाक खतरनाक चीज़ है। और ये देखो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, वर्ल्ड बहुत बड़ा है और उसमें एक जगह ये भी भाई जहाँ पे लोग रहते हैं। वर्ल्ड कितना बड़ा भाई, कितनी कंट्रीज है। और ये देखो आप, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, डिवीजन काजा कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, विलेज कॉमिक, कॉमिक गांव है और पॉपुलेशन 111 है और अल्टीट्यूड है इसका 4587, ठीक है। सो ये चीज़ है भाई, ये देखने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचे भाई हम, ठीक है। और किसकी बदौलत, भाइयों की बदौलत है भाई। नहीं नहीं यार, कमाल है यार, खतरनाक भाई। इस साइड को तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि सूरज रोशनी उधर से आ रही ना, इस साइड को देखो आप क्या चीज़ है। बस ये भाई, अब तो ऐसा लगता ना कि लाइफ का जो एम है ना वो आधा पूरा हो गया है कसम से, ऐसी ऐसी जगह देखने का भाई, पता नहीं लाइफ में कभी मौका मिलेगा या नहीं, पर दिल खुश हो गया भाई इस बारी ना आके। चलो यहाँ पे थोड़ी सी फोटो शूटिंग कर लेते हैं यहाँ भी, और उसके बाद निकलना है भाई, क्योंकि ना यहाँ ऑक्सीजन की ना कमी हो रही है बहुत हाई उस पर ना, तो बोलते हुए ना सांस फूलती है, मतलब वो स्टेमिना रह नहीं जाता, तो आपको बार बार रुकना पड़ता है बोलते हुए, इतने हाईएस्ट उस पर थक जाते हैं बोलते बोलते। मतलब जितना आप बचा सको ना अपनी जो अपनी ब्रेथ है ना उसको बचा के रखना पड़ता है, मतलब स्टोर करके रखना पड़ता, नहीं तो आपको ऑक्सीजन की कमी होने महसूस हो जाती है। ये है नीचे देखो विलेज, और ये है गोम्पा, मतलब आप इसको मोनेस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। और वो वहाँ पे देखो आर्मी का एरिया है, वहाँ पे दूर दिख तो नहीं रहा होगा आपको, लेकिन वहाँ पे आर्मी पूरी, ठीक है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला गोम्पा और जो भी है तहसील जिला लाहौल स्पीति। तो फाइनली भाई वी रीच्ड भारतीय डाकघर, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिक्किम में आपका स्वागत है भाई। सो वर्ल्ड का सब कुछ ही देख रहे हैं आज हम, ठीक है। वर्ल्ड टूर पे निकले हैं चार जवान, दो जवान और दो लुटूरू। क्यों देखो आप भाई, कसम से क्या देख के लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे भाई, बिल्कुल लोग कैसे रहते होंगे, देखो यहाँ एक घर, यहाँ एक घर, वहाँ 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 ऐसे करके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, खतरनाक। और ये पोस्ट ऑफिस भारतीय डाकघर, आपको क्लोज से दिखाता हूँ। ये जय हो जय हो जय हो जय हो, ये देखो ये ऑफिस है अंदर, ठीक है। आज तो बंद है, आज संडे है ना, आज बंद है भारतीय डाक। ये चीज़ है भाई बस बनाया हुआ है। एक और लोकेशन देख लो भाई जाते जाते, क्योंकि लास्ट ही है, फिर हमने काजा जाना है वापस। ये देख लो काजा नीचे, कुछ ज़्यादा आगे मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि भाई खतरनाक ही नीचे, वो देखो वहाँ पहुँचना है अभी, वहाँ है काजा नीचे को, ठीक है। और ये कुछ ग्लेशियर्स है, और ये देखो यहाँ लेजेंड पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को, जब आ ही गए तो यहाँ पे ये अंकल जी यहाँ पे लेजेंड देख लो, ये पढ़ लेना, ठीक है अंकल जी। गुड यार, बहुत बढ़िया, आज तो सपना ही पूरा हो गया भाई, पर नीचे को नहीं दिखा सकता भाई, बहुत खतरनाक ऊंचाई पे है। और ये हमारी गाड़ी, और ये हमारे बंदे भाई, तो चलते हैं और ब्लॉग को करेंगे भाई एंड कहीं पे, ओके। फाइनली भाई 6 बज चुके हैं और हम वापस पहुंच गए, गाड़ी हमने लगा दी है, ठीक है, और ट्रक हमारा यहीं पे खड़ा है सुबह से लेकर। सो फाइनली इस व्लॉग को करते हैं भाई एंड, ठीक है, ठीक है। सो इस व्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे एंड, ठीक है। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आई होप भाई, आज ट्रकिंग से रिलेटेड वीडियो तो नहीं थी।